Hello student, myself Narendra Kumar from VidyaMandir Classes. ये JEE Mains 2019 का exam over हो गया है, तो अभी जो next stage है, जो भी students qualify कर रहे हैं JEE Advanced के लिए, तो उसकी तैयारी कैसे करें? तो उसके लिए जो है मेरा ये मानना है कि जो JEE Advanced 2007 से लेकर के 2018 तक के जो question papers हैं, इनको अगर हम अच्छी तरीके से अगर study कर लेते हैं और उससे एक रिवीजन प्लान भी बन जाएगा और जो कॉन्सेप्ट्स है उनका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा तो उसके लिए मैंने जो क्या किया है कि जेई एडवांस 2007 से 2018 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स है इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है मतलब क्लास 11 के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का एक सेट बनाया और क्लास 12 से जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं तो इस फेज में हम इसको इस टाइप से रिकॉर्ड करेंगे तो ये आपको अगर लगता है कि आपका जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी ठीक नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीडियोज़ हैं उनको देख करके एक अपनी रिविजन स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ठीक है हम सिलेबस का भी डिस्कशन करेंगे और फिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे मेन जो हमारा फोकस होगा क्वेश्चंस को स्टडी करना है ठीक है और एक जस्ट उससे एक रिवीजन स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है और उस टाइप से अपने टाइम को जो है यूटिलाइज करना है जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो आज इस सेशन में हम करेंगे क्लास 11th के जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस्ड में 2007 से लेकर के 2018 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका तो क्लास 11th में जैसे आपको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो बहुत कम है जो जेई मेंस का जो सारा सिलेबस है क्लास 11th का या जो सीबीएसई के जो सारे टॉपिक्स हैं क्लास 11th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो सारे जेई एडवांस के लिए नहीं होते उनमें से कुछ ही टॉपिक्स जो है वो जेई एडवांस के अंदर इंक्लूडेड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं तो ये जो है क्लास 11th का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसके अंदर जेई एडवांस्ड के जो वेरियस पेपर्स हो चुके हैं अभी तक 2007 से लेकर के 2018 तक उसमें जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका हमने सेग्रीगेशन किया और उसको हम डिस्कस करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंक्लूडेड है तो ये सबसे पहले तो इसके अंदर जो है केमिकल बॉन्डिंग जो है इंक्लूडेड है और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ऑर्बिटल ओवरलैप है जो वेरियस टाइप के जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है और कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है ये वाला पार्ट सिलेबस में हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स ओनली ये सिलेबस के अंदर है ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर डायटमिक स्पीसीज ये सिलेबस के अंदर है हाइड्रोजन बॉन्ड है पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स है डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है और डाइपोल मोमेंट के अंदर जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ओनली मतलब क्वांटिटेटिवली आपको कोई मैग्नीट्यूड वाइज जो है डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन एज पर सिलेबस एक्सपेक्टेड नहीं है ये VSEPR मॉडल एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल सिलेबस का पार्ट है और इसके अंदर लीनियर एंगुलर ट्राइंगुलर स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पर बेस्ड जो है हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं VSEPR मॉडल एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल तो देखिए बहुत कम पार्ट है स्टडी तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो इस समय हमें बिल्कुल मतलब टू दी पॉइंट फोकस्ड होकर के सारी चीज़ों को हमें स्टडी करना है रिवाइज करना है ना जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आइसोलेशन एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटालिक स्पीसीज वाला जो पार्ट है ये इंक्लूडेड है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है तो इसके अंदर बोरोन का आइसोलेशन है बोरोन की प्रिपरेशन है और बोरोन की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है सिलिकॉन का आइसोलेशन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलिकॉन है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में ओनली हमें मतलब डायमंड एंड ग्रेफाइट को ही इंक्लूड करना है उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स तो इसके अंदर बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनका हमें डिस्कशन करना है तो ये यहाँ पे हमारे पास में ऑक्साइड्स परऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन्हीं के बारे में आपको एनसीईआरटी में सब डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा वीएमसी का जो मॉड्यूल है उसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर इसी ऑर्डर में सिस्टमेटिक तरीके से गिवन है
बोरोन के अंदर डाइबोरोन डाइबोरेन बोरिक एसिड एंड बोरेक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पास्ट ईयर में कई सारे आ भी चुके हैं. एल्यूमिनियम के अंदर अगर हम देखेंगे तो एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है और एलम है. कार्बन के अंदर ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स बहुत टाइप होते हैं कार्बन के, उसमें से जो है एक ही हमें डिस्कस करना है एज पर सिलेबस और वो है कार्बोनिक एसिड. सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन्स हैं, सिलिकेट्स हैं एंड सिलिकॉन कार्बाइड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो ये हमारा जो है वो बेसिकली सिलेबस का पार्ट हो गया. अब हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ये एक क्वेश्चन आ रहा है, ये 2007 का जो पेपर वन है उसका क्वेश्चन है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सीओ. बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम सबसे पहले तो ये देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं. जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सेम होता है. इसके लिए आप ये हर क्वेश्चन के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है अपना एक लिस्ट बना सकते हैं, एक पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए आप, उसके अंदर आप नोट करते रहिए कि लाइक ये क्वेश्चन एक बॉन्ड ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन हमें मिला है. सो आपको क्विक रिविजन के लिए एक लिस्ट बन जाएगी, हमें मेन मेन क्या क्या टॉपिक्स जो है वो स्पेसिफिकली रिवाइज करने हैं. इन पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं पास्ट ईयर में और भी एक्सपेक्टेड है, और ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो ही जाएंगे हमारे. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सीओ. तो सीओ के अंदर अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखेंगे तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. इन चारों स्पीसीज में एनओ माइनस के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें भी जो है 16 इलेक्ट्रॉन है. तो ये सीओ और एनओ माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, इसलिए एनओ माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो सीओ से डिफरेंट होगा. बी ऑप्शन के अंदर जो एनओ प्लस है इसमें अगर हम देखेंगे तो ये टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, नाइट्रोजन के 7 है, ऑक्सीजन के 8 है और प्लस के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमें लेस करना होगा. तो ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है. सी एन माइनस में भी 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं. तो एनओ प्लस, सी एन माइनस और N2 जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसलिए इन सबका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो सीओ के बॉन्ड ऑर्डर के इक्वल होगा. लेकिन एनओ माइनस के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 16 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर सीओ से डिफरेंट होगा. इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए हो जाएगा. मैं आपको जो ऑफिशियल आंसर की है उसके क्वेश्चंस भी साथ में उसके आंसर्स भी आपको दिखाऊंगा. तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का एज पर ऑफिशियल आंसर की आंसर इसका जो है वो ए है. नाउ सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज. तो पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम कह सकते हैं कि आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लो. अगर किसी स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फिर हम इनको किसी भी थ्योरी से इनको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनका अरेंजमेंट जो है वो पेयर्स में नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करके भी हम बता सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करोगे तो जैसे ए ऑप्शन में जो हमारे पास में Na2O2 है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 38 हो रहे हैं, दो सोडियम के 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और दो ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो आप ऐड करोगे तो 38 हो जाएंगे. ओजोन के अंदर 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, N2O के अंदर अगर हम देखेंगे तो 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं और KO2 के अंदर 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये जो KO2 है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है. तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में जो है ये कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है. तो इनका आप लुइस डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए. लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो बींग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके पेयर ही रहेंगे. लेकिन ए और डी के अंदर जो दो स्पीसीज गिवन है ये आयनिक स्पीसीज है, इनके अंदर आयनिक बॉन्ड्स भी है, तो इनको आप कैटायनिक स्पीसीज और एनायनिक स्पीसीज में स्प्लिट कर लीजिए. तो ए ऑप्शन में जो कंपाउंड गिवन है ये सोडियम परोक्साइड है, इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो दो सोडियम आयन बनेंगे और एक परोक्साइड आयन बनेगा. परोक्साइड आयन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड ही होंगे. KO2 को जब हम स्प्लिट करेंगे K प्लस और O2 माइनस के अंदर, तो यहाँ पे जो एनायन है वो O2 माइनस है, दैट इज सुपर ऑक्साइड आयन. सुपर ऑक्साइड आयन के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डी ऑप्शन होगा. ए बी और डी के अंदर जो तीन स्पीसीज गिवन है ये सारी डायमैग्नेटिक स्पीसीज होंगी, और डी के अंदर जो स्पीसीज है वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगी. तो हम देख लेते हैं कि ऑफिशियल आंसर जो है वो क्या कह रहा है. तो आंसर डी जो है वो ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अगेन 2007 से ही है, ये स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है. 2007
2008 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे जेई एडवांस के अंदर. इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि बोरोन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. तो बोरोन जो है हमारे पास में एक स्मॉल साइज एटम है, ट्राईवेलेंट एलिमेंट है, तो जनरली इसके आयंस को बनाना डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ये कैटाइन तो नहीं बनाता है. सो बोरोन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ B3+, इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो जो स्टेटमेंट वन है इसके अंदर हम जो एक रीजनिंग के बारे में अगर सोचेंगे तो वो वही रीजनिंग नजर आ रही है जो स्टेटमेंट टू के अंदर गिवन है. सो बोरोन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड वाई, बिकॉज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ बोरोन मेक अ बॉन्ड फॉर्म बाय बोरोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड. सो द स्मॉल साइज ऑफ B3+ फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू जो है वो भी ट्रू है, और स्टेटमेंट टू जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट वन का. तो इसका आंसर जो है हम ए एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और ऑफिशियल आंसर की के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो आंसर जो है हमारे पास में इस क्वेश्चन का ए ही है. तो ये एक ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन है. बोरोन एंड इट्स कंपाउंड की केमिस्ट्री पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में मिलते हैं. नेक्स्ट देखिए, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ये 2007 से ही है, पेपर वन से ही है. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड. नाउ ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली एक सिंपल सा हमारे पास में कंपाउंड होता है, H3BO3 इसका फॉर्मूला है. और इस ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर देखने में हमें तीन OH ग्रुप लगते हैं, लेकिन इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये अपना H+ आयन रिलीज नहीं करता. ऑर्थोबोरिक एसिड एक लुइस एसिड है. ऑल दी कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर लुइस एसिड. सो ऑर्थोबोरिक एसिड इज ऑल्सो लुइस एसिड. ये एक वीक एसिड है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 1 mole बेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड है. लेकिन ऑर्थोबोरिक एसिड को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये H+ आयन रिलीज नहीं करता है. मैं जस्ट इक्वेशन के थ्रू आपको बता देता हूँ कि ऑर्थोबोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो BOH3 होता है. तो ये जो BOH3 है इसको वाटर में जब हम डिजोल्व करेंगे तो बींग ए लुइस एसिड, वाटर जो है वो लुइस बेस का काम करेगा. तो बोरोन अपने वैकेंट ऑर्बिटल में वाटर मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा. तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो बाहर निकलेगा यहाँ से. तो एक वाटर मॉलिक्यूल इस H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा. तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस H+ आयन को जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये हमारे पास में कॉन्जुगेट बेस जो है फॉर्म हो जाएगा बोरिक एसिड का, और ये H3O+ का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 mole बोरिक एसिड हमने लिया और इस 1 mole बोरिक एसिड को हमने वाटर में ड्रॉप कर दिया, तो उससे सोल्यूशन के अंदर 1 mole H+ आयन फॉर्म हो गया. इस 1 mole H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जो है 1 mole बेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये हमारा एक वीक मोनोबेसिक एसिड हो गया. लेकिन यहाँ पे ये जो H+ आयन आया है ये बोरिक एसिड का H नहीं है, तो इसलिए ये प्रोटिक एसिड नहीं है, ये प्रोटोन डोनर नहीं है. सो इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. बट इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड एक्ट एज अ प्रोटोन डोनर, नो इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. इट इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, इट इज अ लुइस एसिड. तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखेंगे तो स्टेटमेंट वन ट्रू है और स्टेटमेंट टू ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है. तो करेक्ट आंसर इसका बन जाता है ऑप्शन नंबर सी. और ऑफिशियल आंसर की को अगर हम देखेंगे तो उसके बेसिस पे भी हमारा जो आंसर है वो सी ही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि एल्कली मेटल्स डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन. ये एल्कली मेटल्स की एक वेल नोन प्रॉपर्टीज है, किसी भी एल्कली मेटल को या एल्कलाइन अर्थ मेटल को लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में अगर हम डिजोल्व करेंगे तो ये लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से एल्कली मेटल्स जो है वो इजीली आयोनाइज हो जाते हैं लिक्विड अमोनिया के अंदर, और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है. सॉल्वेटेड एल्कली मेटल आयन स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, दोनों टाइप की स्पीसीज बनती है. जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो भी सॉल्वेटेड फॉर्म में ही रहेगा, और जो मेटल आयन प्रोड्यूस हुआ है वो भी सॉल्वेटेड फॉर्म में ही रहेगा. अमोनिया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पे. सो देयर ब्लू कलरेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन. सो एल्कली मेटल्स डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया गिव सॉल्वेटेड स्पीसीज ऑफ द टाइप
एम एन एच थ्री होल एन प्लस, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है. लेकिन जो ब्लू सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ है दैट इज नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्वेटेड एल्कली मेटल आयन. सॉल्वेटेड एल्कली मेटल आयन आर ऑल्सो रिमेन इन सॉल्यूशन, बट ब्लू कलरेशन इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन. एंड ये जो विजिबल रेडिएशन है वो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है एब्जॉर्ब करेंगे. तो इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट वन जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू जो है वो स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ब्लू कलरेशन जो होता है बेसिकली वो सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से होता है. तो यहाँ पे हम जो है आंसर बी को टिक करेंगे. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो ऑफिशियल आंसर को अगर हम देखेंगे तो वो भी हमारे पास में बी ही आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, अगेन ये 2008 से, तो आप देखिए 2007 के अंदर जो आपको बोरोन की केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन मिला है, आपको ऑर्थो बोरोन की केमिस्ट्री पर बेस्ड दो क्वेश्चन मिले हैं, और एक क्वेश्चन जो है हमें एस ब्लॉक एल्कली मेटल पर बेस्ड मिला है. तो ये मतलब इंपॉर्टेंट हॉट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी एक लिस्ट बनाई है और इनका रिवीजन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास में Pb4+ कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Sn4+ कंपाउंड्स. ये हम ग्रुप 13, 14, 15 के अंदर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ते हैं, और पी ब्लॉक के अंदर जब हम एक ग्रुप में हैवियर मेंबर्स की तरफ जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होने लगती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो कोई भी हैवियर मेंबर अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो वो लेस स्टेबल है, वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेगा. तो इन दैट केस ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा एंड बिहेव लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो Pb4+ कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Sn4+ कंपाउंड्स. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और यहाँ पे रीजनिंग जो है हमारी वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड है. सो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल. नो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर लेस स्टेबल फॉर द हैवियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो स्टेटमेंट टू जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट वन ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट टू जो है वो कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट को अगर हम करेक्ट करेंगे तो ये होगा द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर लेस स्टेबल फॉर द हैवियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ये मैं एक डेटा भी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में. तो इसके अंदर जैसे हमें पता है कि हम ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जो होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से कंपेयर करके बता सकते हैं. एक मतलब क्वांटिटेटिव तरीका है ऑक्सीडाइजिंग नेचर को कंपेयर करने का. तो देखिए यहाँ के हमारे पास में जो लेड 4+ स्टेट में है, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो टिन के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है. तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है ये +1.67 वोल्ट है लेड के लिए, और टिन के लिए अगर हम देखेंगे ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है टिन 4+ से टिन 2+ के लिए ये +0.15 वोल्ट है. कितना कम है, बहुत डिफरेंस आ गया इसी के लिए पे. तो इसलिए जो हमारे पास में Pb+4 है ये एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है. जैसे आप लोग लेंथेनाइट्स वगैरह में ये पढ़ते हो, Cr+ जो होता है वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. Pb4+ Cr+ से भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास में करेक्ट आंसर जो हमें नजर आ रहा है वो स्टेटमेंट वन ट्रू एंड स्टेटमेंट टू जो है फॉल्स है, दैट इज सी आंसर होना चाहिए. तो आप देख लेते हैं कि ऑफिशियल आंसर क्या कह रहा है और वो सी ही हमें दिखाई दे रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में ये 2009 के पेपर से आ रहा है, और 2009 के पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड फॉर्म्ड अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस एयर इज और आर. सोडियम मेटल को एक्सेस एयर में कंबशन किया जा रहा है और क्या कंपाउंड प्रोड्यूस होगा ये बताना है हमें. तो हमें जैसे हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे पास में अल्कली मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, और सभी अल्कली मेटल्स का ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है. लीथियम मेनली ऑक्साइड्स बनाता है और लीथियम जो है द कंपाउंड फॉर्म अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस एयर इज आर. तो लीथियम मेनली जो है हम देखेंगे तो ऑक्साइड बनाता है एज ए मेजर. सोडियम के अंदर जो मेजर बनेगा वो परऑक्साइड्स बनेगा, बट साथ में जो है ऑक्साइड्स थोड़ा बहुत सभी के अंदर बनता है, बट सोडियम के अंदर मेजर जो बनेगा वो परऑक्साइड बनेगा. लिथियम में मेजर जो बनेगा वो ऑक्साइड बनेगा.
पोटेशियम सीजियम और रुबीडियम के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है अपॉन कंबशन इन एयर वो सुपर ऑक्साइड्स बनता है. बट अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये मेंशन नहीं है कि हमें माइनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है या मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. सो द कंपाउंड्स फॉर्म्ड अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस एयर इज और आर भी लिखा हुआ है यहाँ पे. तो हम कह सकते हैं कि अगर जस्ट मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सिर्फ ए ही हमारा होगा आंसर. लेकिन अगर यहाँ पे मेजर और माइनर टाइप से कोई कैटेगराइजेशन अगर नहीं करना है हमें प्रोडक्ट का तो फिर ए और बी दोनों को हम कंसिडर करेंगे. सी जो है उसके अंदर बेसिकली सुपर ऑक्साइड्स है तो सुपर ऑक्साइड्स पोटेशियम एंड ऑनवर्ड ही बनते हैं, बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में भी नहीं बनेगा यहाँ पे. डी ऑप्शन बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है. हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एयर जो है ड्राई होगी, इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं होगा. तो बेस्ट ऑप्शन तो यहाँ पे जो है वो ए लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ए के साथ साथ बी भी मार्क कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये बेसिकली जो है एग्जामिनर पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहा है. एक इसमें मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट तो है ये. तो देखिए हम ऑफिशियल आंसर की को देख लेते हैं कि उसमें क्या है, अदरवाइज हमारे हिसाब से ओनली ए इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ ए एज वेल एज बी आर ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की को अगर आप देखेंगे तो दो आंसर्स रिलीज किए गए हैं, ए भी करेक्ट है और ए और बी जो है वो भी करेक्ट है. तो ये जब क्वेश्चन में कुछ क्लैरिटी नहीं होती है तो फिर वो जो भी एक डाउट होता है उसको भी कंसिडर कर लिया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में ये भी 2019 से ही है और ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है. सो मैच ईच ऑफ द डायटमिक मॉलिक्यूल्स इन कॉलम वन विथ इट्स प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज इन कॉलम टू. तो यहाँ पे कॉलम वन के अंदर डायटमिक स्पीसीज गिवन है B2, N2, O2- एंड O2 और कॉलम टू के अंदर इनकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज है उनका डिस्कशन किया हुआ है. तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इनका क्या है, मिक्सिंग ऑफ SNP ऑर्बिटल्स की टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो क्या है. तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास में जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा और इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं इनके जो डायटमिक मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज को अगर हम कंसिडर करते हैं और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो B2 जो है वो एक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है बट पैरामैग्नेटिक है. O2 भी एक इवन नंबर ऑफ स्पीसीज है और पैरामैग्नेटिक है. तो ये तो डेफिनेटली है हमारे पास में कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो B2 पैरामैग्नेटिक है और N2 डायमैग्नेटिक है. O2 माइनस जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है इसलिए पैरामैग्नेटिक है. O2 इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वेरियस इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप अरेंज करेंगे तो ये भी पैरामैग्नेटिक टाइप का ही आएगा. ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अगर हम देखेंगे तो हम किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, किसी भी स्पीसीज का रिडक्शन कर सकते हैं. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सिंपल हमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में हमें देखना होता है. तो मॉलिकुलर स्पीसीज में ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं होती है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. ये डिपेंड करेगा कि किस स्पीसीज के साथ ये कंबाइन कर रहा है. तो किसी सिचुएशन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे इन सबसे इलेक्ट्रॉन ऐड और रिमूव किया जा सकता है. तो ए बी सी डी सबके अंदर डेफिनेटली क्यू और आर तो होगा ही होगा. और अब आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू और ग्रेटर देन टू. तो बॉन्ड ऑर्डर 2 और ज्यादा होने के लिए अगर किसी के पास में हमारे पास में अगर सपोज 10 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास में है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 होगा और 12 इलेक्ट्रॉन अगर है किसी के पास में तो बॉन्ड ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होता जाएगा. हमें पता है कि अप टू 14 जो है बॉन्ड ऑर्डर हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इंक्रीज होता है. 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, 9 के लिए 0.5 हो जाएगा, 10 के लिए 1 हो जाएगा और 11 के लिए 1.5 हो जाएगा, 12 के लिए जो है वो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा और 13 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा और 14 इलेक्ट्रॉन के बाद में बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 से डिक्रीज होने लगेगा फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन, हाफ से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने लगेगा. तो ऐसे हम देख सकते हैं. ये जो एक स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है मिक्सिंग ऑफ SNP ऑर्बिटल्स, तो आपको पता है कि जो हमारे पास में वेरियस मॉलिकुलर डायटमिक मॉलिकुलर स्पीसीज होती है इनके जो वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स है उनका जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो 2 टाइप का एनर्जी ऑर्डर होता है. एक और वो जो डिफरेंस मेनली जो हमें मिलता है वो सिग्मा 2PZ और π2PX और π2P ऑर्बिटल की, ये जो 3 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी में डिफरेंस मिलता है. π2PX और π2PY जो है ये डीजनरेट मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स है और सिग्मा 2PZ की जो एनर्जी π2PX π2PY से ज्यादा होगी या उससे कम होगी
इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, उनकी मिक्सिंग हुई है या नहीं हुई है। तो अप टू 14 ये मिक्सिंग होती है, मतलब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो ये मिक्सिंग होगी होगी, और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन 14 है तो ये मिक्सिंग नहीं होती है। तो ये उसके बेसिस, तो इसका मतलब ये जो टी है वो किसी के पास में अगर 14 और लेस इलेक्ट्रॉन है तो टी ऑप्शन आएगा ही आएगा, और किसी के पास में अगर ग्रेटर देन 14 ऑप्शन है तो टी नहीं आएगा इसके लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अब हम करेक्ट कंपेयर अगर करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास में B2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका रिडक्शन भी हो सकता है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है, तो इसलिए S नहीं होगा, और इसमें मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल हो रही है। तो A के लिए P, Q, R और T करेक्ट ऑप्शंस होंगे। B के लिए अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन N2 जो है वो पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक है, लेकिन ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, और इसमें मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल भी हो रही है, अप टू 14 तो मिक्सिंग कंसिडर करना है। सी ऑप्शन में O2- ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सो पैरामैग्नेटिक है, इट कैन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इट कैन अंडरगोज रिडक्शन, और बॉन्ड ऑर्डर इसका जो है वो 1.5 है, 2 नहीं है, तो इसलिए एस कंसिडर नहीं करेंगे, और ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन 14 हो गया, इसलिए मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल भी यहाँ पे नहीं होगा। डी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो O2 है, इसके अंदर पैरामैग्नेटिक है, ये कैन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, कैन अंडरगोज रिडक्शन, और बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है, इसलिए मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल कंसीडर हमें नहीं करना है। तो इसका ऑफिशियल आंसर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास में ऑफिशियल आंसर है, और जो हमने डिस्कस किया उसी के अकॉर्डिंग है यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स इंक्लूड हो गए, मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी हो गया, बॉन्ड ऑर्डर भी हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पैरामैग्नेटिक टाइप की प्रॉपर्टीज, डायमैग्नेटिक टाइप की प्रॉपर्टीज, तो देखिए कितनी सारी कॉन्सेप्ट्स का जो है इंक्लूजन हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, इंक्लूड कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 के पेपर 2 से है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल सेंटर इन CuSO4.5H2O। तो ये जो हाइड्रोजन का हमारा चैप्टर है उसके अंदर वेरियस टाइप के हाइड्रेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं हम, तो उसी में जैसे ये हमारे पास में एक ट्रांजिशन मेटल हाइड्रेट है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल सेंटर। तो जनरली कंपाउंड के अंदर जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, स्पेशली जो ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट है, उसमें एक जो वाटर मॉलिक्यूल होता है जनरली इट इज ऑब्जर्व, हो सकता है कि इसके कुछ एक्सेप्शन हो, राइट नाउ I can't recall them, but most of the cases में जो मैंने observe किया है कि जो भी हमारे पास में crystalline salt होता है especially transition metal का, तो उसके अंदर एक water molecule को आप बाहर निकाल दीजिए, ये cation मतलब जो हमारे पास में hydrate है और जो साथ में anion है उनके बीच में एक hydrogen bond की तरह link का जो है वो काम करेगा, और ये जो properties है वो specially जो sulfates होते हैं उन्हीं के अंदर जो है वो observe होती है। जैसे आप देख सकते हैं zinc sulfate ZnSO4.7H2 होता है, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 होता है, तो ये इस टाइप से हमें हम से चेक कर सकते हैं। तो CuSO4.5H2O जो है एक वाटर मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा और बाकी के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेटेड रहेंगे सेंट्रल आयन से। तो इसके अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेटेड है और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड रह सकता है इस कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज के साथ। तो यहां पे और भी कई सारे फीचर्स होते हैं बट क्लास 11th और 12th में जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हम ये ऐसा जो है सोचते हैं। नाउ अगर हमारे पास में फेरस सल्फेट है FeSO4.7H2O तो इसमें भी हम ऐसे सोच सकते हैं कि 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेटेड रहेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कहेंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल सेंटर आर 4। तो ऑफिशियल आंसर हम देख लेते हैं क्या है। तो ये सिंगल डिजिट इंडिजिट कैटेगरी का क्वेश्चन है तो इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो 4 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 2010 का जो JEE एडवांस पेपर 1 है उसका क्वेश्चन है और ये कह रहा है रिएजेंट्स यूज फॉर सॉफ्टनिंग द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज और आर।
तो ये यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है. अब इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टेम्पररी हार्डनेस का कॉज क्या है. टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो कैल्शियम आयन अगर होगा तो वो परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट करेगा, मैग्नीशियम आयन भी परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट करेगा, बट साथ में जो एनायन होता है वो क्लोराइड होता है या सल्फेट होता है. बट इसी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स अगर सॉल्यूशन में है तो ये टेम्पररी हार्डनेस कॉज करते हैं. तो अब इसको हमें रिमूव करना है. तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का मतलब हुआ कि हमें बाइकार्बोनेट्स को हटा देना है. और बाइकार्बोनेट्स जो है मतलब बेसिक एक टाइप से एसिडिक टाइप के सब्सटेंस है, इजीली किसी बेस के कॉन्टेक्ट में आकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर है. ए को अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली जो है बाइकार्बोनेट का कुछ नहीं करेगा लेकिन उसमें कैल्शियम का परसेंटेज रेज कर देगा. बी बाइकार्बोनेट्स को रिमूव कर देगा. सी भी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम, लेकिन ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का काम करता है. और जो सोडियम ऑक्सीक्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, इसका हार्डनेस के साथ ऐसा एस सच कोई रोल नहीं होगा. ये हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज नहीं होता मिंदिर. तो अगर हम लाइम वाटर को यूज कर रहे हैं तो क्या रिएक्शन होगी ये हम देख लेते हैं, तो उससे हमें पता लग जाएगा. तो लाइम ये जो हमारे पास में मेनली कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर हम ले लेते हैं तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से OH- माइनस आएंगे, दोनों H+ आयन लेंगे और ये दो कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा और वाटर यहाँ पर जो है रिलीज हो जाएगा, हमारा टू वाटर का फॉर्मेशन होगा. तो ये बाइकार्बोनेट जो यहाँ से रिमूव हो गया है ये सॉल्यूशन है और ये भी यहाँ पे सॉल्यूशन है. अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट जो है अपीयर हो जाएगा. तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं. तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो ए एक्सपेक्टेड है, सॉरी बी आंसर जो एक्सपेक्टेड है, ए तो नहीं होगा. तो ऑफिशियल आंसर की देख लेते हैं क्या है. तो ये ऑफिशियल आंसर की को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी द नंबर ऑफ 90 डिग्री फ्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन एंगल्स इन BrF5 इज. तो ये बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ गया. ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड है तो ब्रोमीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और 5 फ्लोरीन इसके साथ अगर ऐड हो जाते हैं, 5 फ्लोरीन अगर इसके साथ ऐड हो जाते हैं तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 7+5. और 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स में अगर अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे. और इन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अगर हम देखते हैं तो 5 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लॉन पेयर होगा. तो ये हमारे पास में जो ज्योमेट्री बनेगी इसकी वो एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी. और इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर फाइव बॉन्ड पेयर्स और एक लॉन पेयर का अरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो ये अरेंजमेंट जो है वो एक स्क्वायर पिरामिडल की फॉर्म में होगा. तो यहाँ पे एक हमें जो ये लॉन पेयर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. अब इस लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा. तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्गर रिपल्शन है और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो वीकर रिपल्शन है. और ये जो है वो स्ट्रॉन्गर टाइप का रिपल्शन है. इस ज्योमेट्री में रिपल्शन होने से थोड़ा सा ये जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड अपने प्लेन से अपवर्ड चला जाएगा तो थोड़ा डेविएट होगा. ये जो बॉन्ड होगा फ्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है, ये फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होगा लेकिन 90 से बहुत ज्यादा डेविएट भी नहीं करेगा. ये बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं आएगा यहाँ पे. तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं. और इन एंगल्स का नंबर अगर हम देखेंगे तो ये जो 90 डिग्री के एंगल अगर हम देखते हैं तो एक एंगल ये हो गया 90 डिग्री का, दूसरा एंगल ये हो गया 90 डिग्री का, तीसरा ये हो गया 90 डिग्री का, चौथा ये हो गया 90 डिग्री का. अप्रॉक्सीमेटली है यहाँ पे लॉन पेयर का थोड़ा डिफरेंस आएगा. और बाकी अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का. अगेन आई एम सेइंग अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री की टर्म्स में हमें सोच रहे हैं. तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ 90 डिग्री फ्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन एग्जैक्ट 90 डिग्री अगर हम देखेंगे तो कोई भी एग्जैक्ट 90 डिग्री की तरह नहीं होगा.
लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये सारे जो है वो 90 डिग्री के एंगल है. तो अब यहाँ पे आंसर अगेन वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है. और बॉन्डिंग के अंदर नॉर्मली हम जो एंगल की स्टडी करते हैं इस टाइप के इंटरेक्शन से, तो वो एक क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन होता है. जो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसके कितना क्लोज है. एग्जैक्ट तो नंबर हम नहीं बताए होंगे अनलेस एंड अनटिल के हमने पहले से लर्न करके रखा हुआ है. तो इसके अंदर जो एक्चुअल एंगल होते हैं वो नियरली 82 डिग्री के आसपास होते हैं एक्चुअल एंगल जो है, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कहेंगे हम तो सारे 90 डिग्री हैं. अदरवाइज एग्जैक्टली कहेंगे तो कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा. तो इसका ऑफिशियल आंसर अगर हम देखते हैं तो उसमें भी ये दो आंसर गिवन है, आइदर 0 और 8. तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बॉन्डिंग से सिंगल इंटीजर की कैटेगरी के अंदर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द वैल्यू ऑफ एन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला BeNAl2Si6O18. तो ये जो सिलिकेट्स है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है. तो इसमें जस्ट हमें कुछ नहीं करना होता, चार्ज बैलेंस करना होता है. तो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, बाकी सारी स्पीसीज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी. तो 18 ऑक्सीजन पर -2 के हिसाब से -36 चार्ज जो है आना चाहिए. तो -36 के लिए +36 हमें बैलेंस करना है. +36 में से 6 सिलिकॉन एटम पर +4 के हिसाब से 24 आ जाएगा और 2 एल्यूमिनियम पर +3 के हिसाब से 6 आ जाएगा. तो 24 और 6 जो है हमारा 30 हो जाएगा, लेकिन हमें करना था 36. तो 36 करने के लिए हमें +6 की और ज़रूरत पड़ेगी. बेरिलियम जो है वो एक सेकेंड ग्रुप मेंबर है. सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है. तो यहाँ पे 3 बेरिलियम अगर हम ले लेते हैं तो +6 चार्ज हो जाएगा और ये हमारा एक जो है कंपाउंड बन जाएगा. तो ये एक टाइप का सिलिकेट है, बेराइल है. तो BE3Al2Si6O18 इसका फॉर्मूला हो गया और आंसर इसका जो है वो आ जाएगा 3 आ जाएगा. द वैल्यू ऑफ एन इन दिस क्वेश्चन विल बी 3. तो ये ऑफिशियल आंसर को अगर हम देखेंगे तो वो भी हमारे पास में 3 ऑफिशियल आंसर आ जाएगा इसका. तो ये कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने कर लिया है. तो कुछ कुछ एक स्ट्रेटेजी बन गई होगी आपकी कि हमें क्या क्या पॉइंट्स रिवाइज करने हैं. अभी और भी क्वेश्चन है तो इनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूँगा मैं. तो वो आप उनको देखिएगा ज़रूर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन.